झामुमो के 45वें स्थापना दिवस पर दुमका में आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए हजारों झामुमो कार्यकर्ता और समर्थक स्थानीय विधायक हफीजुल हसन के भाई तनवीरुल हसन के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ता शुक्रवार को मधुपुर से दुमका के लिए रवाना हुए। बस स्टैंड स्थित बाबा साहब की अदमकद प्रतिमा पर विधायक प्रतिनिधि तनवीर हसन ने माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं को दुमका के लिए रवाना किया। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों से लगभग 100 बस और 700 चार पहिया वाहन के साथ हजारों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता दुमका पहुंचे। झामुमो कार्यकर्ता मांदर, नगाड़ा, टांगी, झंडा और तीर धनुष के साथ मधुपुर में एकजुटता का प्रदर्शन किया। इससे पूर्व चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस पड़ाव परिसर में जमकर आतिशबाजी भी की, केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि तनवीरुल हसन ने कहा कि इस बार झामुमो का स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा और यहाँ ऐतिहासिक भीड़ होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत पार्टी के वरीय नेता झारखंड स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। महागठबंधन की एकजुटता से बीजेपी के मंसूबे पर पानी फिर गया। गलत जांच एजेंसी से झारखंड मुक्ति मोर्चा डरने वाली नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय ही आंदोलन से हुआ है। स्थापना दिवस पर हजारों कार्यकर्ता दुमका जा रहे हैं। मौके पर झामुमो जिला सचिव दिनेश्वर किस्कू, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अबू तालिब अंसारी, झामुमो नगर अध्यक्ष प्रकाश मंडल, प्रखंड अध्यक्ष शाकिर अंसारी, मोहम्मद फेकू, प्रकाश दास, समीर आलम, रंजीत दास, उत्तम भैया, अजय सिंह, मोहम्मद साहिद, मुख्तार अंसारी, जमुना तोरी, राजू अंसारी, जुगल यादव, मुमताज अंसारी, मुकेश दास, दिनेश मंडल, अजीत कुमार दास, लखन किश्कू, इशहाक अंसारी, जियाउल अंसारी, मुख्तार अंसारी, सुनील मंडल, मंगलू खान, मोहम्मद रिजवान, अल्ताफ हुसैन, संजय कुमार राउत समेत हजारों लोग विभिन्न वाहनों से दुमका के लिए रवाना हुए। गाड़ी को डिसिप्लिन से चलाया, धीरे धीरे चलाया। मेरा एक भी कार्यकर्ता एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। हम आप लोग से अपील करते हैं कि किसी तरह का कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। हम भी आपका हेल्प करते हैं, आप भी मेरा हेल्प कीजिए।